के कारण जीरे की कीमतें बढ़ी हैं, क्योंकि किसान और स्टॉकिस्ट आने वाले महीनों में अधिक कीमतों की उम्मीद में स्टॉक रोके हुए हैं, जिसकी वजह से मंडियों में आवक कम देखने को मिल रही है। राजस्थान के साथ साथ गुजरात में आवक में कमी के कारण जीरा की मंडी आवक पिछले महीने की तुलना में 10% कम हो गई है। हालांकि मंडी आवक पिछले वर्ष भी इसी अवधि में कम थी। बाजार के फीडबैक के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में इस अवधि में निर्यात मांग में कमी आई है। निर्यात मांग में गिरावट का कारण चीन से मांग न निकलना माना जा रहा है, यानी चीन की निर्यात मांग कम हुई है। वहीं पिछले 3 वर्षों में जीरा निर्यात 7,30,000 टन देखा गया था, जिसमें से 2,01,000 टन चीन को निर्यात किया गया था, यानी कुल जीरा निर्यात का 28% निर्यात चीन को किया गया था। वहीं प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार कम बुआई के कारण जीरा उत्पादन विपणन वर्ष 2022-23 में वर्ष दर वर्ष आधार पर लगभग 33% से 3,00,000 टन तक गिरने की उम्मीद है। वहीं गुजरात सरकार द्वारा जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार जीरा उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में 45% गिरकर 2.22 लाख टन रहने की संभावना है, यानी कि 2,22,000 टन रहने की संभावना है। वहीं गुजरात और राजस्थान राज्य में जीरे के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में पिछले वर्ष की तुलना में 28% की कमी देखने को मिली है। गुजरात के प्रमुख स्पॉट मार्केट ऊंझा में जीरा 23,000 रुपये के ऊपर निकल चुका है। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में जीरे में और तेजी देखने को मिल सकती है और जीरा जल्द ही 25,000 के स्तर को भी छूता हुआ दिखाई दे सकता है। जानकारों की माने तो तकनीकी चार्ट पर जीरा अगर 24,200 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो जल्द ही 25,000 का आंकड़ा छू सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीम।